जैन, आप अब देखिए कि कोरोना बढ़ रहा है और लॉकडाउन के अंदर भी अब हमको कार्य करना है, तो उसके अंदर एक उपयोग हो सकता है कि आप मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जो निजी जीवन है वो जीना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अकेला व्यक्ति कुछ कोई नहीं कर सकता है, हमको साथ में मिलके करना है। जैसे कि अगर आपके आजू बाजू किसी को कोई तकलीफ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके अंदर ये चीज़ कर सकते हो कि उसकी मदद कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भी मदद करता है, तो किसी और की उसको मदद की अपेक्षा ना रहे। उसी तरह से आप सबके घर के अंदर मशीन अगर नहीं भी है, तो पूरे फ्लैट के अंदर या सोसाइटी के अंदर किसी एक के घर पे तो मशीन होगा ही। और उसके अंदर आप ऐसे कपड़े का एक मास्क बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया पिछले महीनों के अंदर भी मैंने मास्क का डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो अभी आप जैसे मेडिकल से लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, तो ऐसा आप अगर सिंपल मास्क बनवा रहे हैं तो घर के अंदर, अगर ज़्यादा नहीं तो अगर आप खुद का लेने जाओ तो सिर्फ 2 या 3 एक्स्ट्रा ले लीजिए, और जिस ज़रूरतमंद को आप अगर दे दीजिए तो उसको बहुत काम आ सकता है। अगर हर व्यक्ति 2 या 1 मास्क भी एक्स्ट्रा लेके या ऐसा बनवा के किसी को देता है, तो आप देश का एक सहयोग कर रहे हैं और एक मदद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। और एक की कीमत कोई ज़्यादा भी नहीं होगी, अपने लिए एक बनवा रहे हैं तो आप किसी और को दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मदद होगा। प्लीज़ ऐसा करिए, जैसे कि हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे एक मित्र की सहायता से बनवाया है और भी बनवाने को दिया है, तो आप भी इस तरह का मास्क बना सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अगर आप स्टॉक में बनवाओ तो 3 रुपये का एक पड़ रहा है, ये ओनली फॉर 3 रुपीज़ कपड़े का मास्क। इलास्टिक का सारा पैसा अगर आप निकालें तो 3 रुपये का एक पड़ रहा है, तो वो मदद हो सकता है और ज़्यादा लूटपाट भी नहीं होगी और लोगों की मदद हो जाएगी, सब वायरस से बचे रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।